लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर नई मुंबई के बेलापुर स्थित केंद्रीय सदन में लगाई गई है फोटो प्रदर्शनी, कईयों को स्वाधीनता आंदोलन की याद दिला गई। 75वें आज़ादी दिवस पर प्रारंभ हुई इस प्रदर्शनी का मकसद नई पीढ़ी को चित्रों के जरिए स्वाधीनता संग्राम की झलकियां दिखाना था, ताकि उन्हें पता चल सके कि आज़ादी हमें कठिन संघर्षों और तमाम बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। आज यहाँ पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह समेत कई उच्चाधिकारियों ने भेंट दी और फोटो प्रदर्शनी का जायजा लिया। उन्होंने अपनी भावनाएं कैसे प्रकट की, आइए सुनाते हैं। ये जो प्रदर्शनी है, इसमें आपको पता है कि ये हमारे देश में, हमारे देश की जो लड़ाई थी आज़ादी की, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है आज़ादी की लड़ाई का, उसमें जिन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया, जो शहीद हो गए, उन्होंने जिस तरह से देश के लड़ाई के लिए, आज़ाद करने के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसके उनके जीवनी के ऊपर, उनके फोटोग्राफ्स और उनके उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, कैसे क्या किया है, उसके बारे में प्रदर्शनी लगी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के फोटोग्राफ्स हैं और बाकी जो लिखे हुई हैं चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी हैं जो उसके बारे में मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। स्पेशली यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो महापुरुष रहे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी जो फोटोग्राफ्स हैं और उनके जो लेख हैं बहुत सारे, उनके बारे में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सहयोग रहा है आज़ादी की लड़ाई में देश के लिए, और इसके पीछे जो ये सब ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो इनकी मेन मंशा है कि आज की जो पीढ़ी है या सभी लोग यहाँ पर आए, इसका लाभ लें और जिन महापुरुषों ने या जिन शहीदों ने जो बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान जो है वैसे ही नहीं होना चाहिए, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में और एक राष्ट्रभक्ति के निर्माण में उसका सहयोग मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये जो आउटरीच, जो रीजनल आउटरीच के यहाँ के जो अधिकारी हैं, उसमें जिन्होंने ये प्रदर्शनी ऑर्गेनाइज़ की है इस तरह से, और इसमें आपने देखा जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो इनके जो डांस थे या फिर जो स्किट थी, वो भी बड़ा ही एक अच्छा एक मैसेज था, उसमें संदेश था देशभक्ति का और हमारे नई पीढ़ी के लिए कैसे, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उसमें इस जो इंस्पिरेशन मिलना चाहिए उनको, और ये जो बलिदान है हमारे महापुरुषों का, वो उसका सही ढंग से देश के निर्माण में उसका जो सहयोग होना चाहिए। पीआईबी के द्वारा ये बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वजों ने, जो पुराने लोगों ने आज़ादी के लिए जो फाइट किया है, उसके बारे में आज की डेट में नॉलेज नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री इसके बारे में पूछ लो, फट बताएंगे, व्हाट्सएप के बारे में फट बताएंगे, बट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में नहीं बता पाएंगे। मेरे को थोड़ा जोश इसलिए भी आ जाता है, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते और पुलिस के होने के नाते जब मुझे देखता हूँ तो मेरा तो वैसे ही खून खोलने लगता है। बट ये सब बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, बेसिक ट्रेनिंग बच्चों को प्राइमरी स्कूल से देने की ज़रूरत है कि फ्रीडम स्ट्रगल हमने कैसे प्राप्त किया है। और ये जो पीआईबी द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैं पीआईबी का सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, दिखाया है, चित्र प्रदर्शनी दिखाई है। मैं अपने सीआरपी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, उनकी फैमिली को निर्देश करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और देखें और जिसकी जानकारी इनको प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।